व्हाई डिड आई कम टू यूट्यूब, मैं यूट्यूब पर आया क्यों, है ना। बहुत सारे लोग मुझसे सवाल पूछते हैं मैं यूट्यूब पर क्यों आया। देखिए मैं यूट्यूब पर आया था साल 2012-13 पे, क्योंकि मैं स्टार्टिंग से बताऊंगा तो आप मुझसे रिलेट कर पाओगे। तो साल 2012-13 में मैं आया था, और मैं YouTube इसलिए नहीं आया था क्योंकि तब ना इतना कोई एजुकेशन का नाम भी नहीं था, तब सिर्फ एंटरटेनमेंट की वीडियो चलती थी। YouTube का नाम था लेकिन एजुकेशन का नाम नहीं था, ठीक है। और एंटरटेनमेंट की वीडियो चलती थी, उसके अंदर एजुकेशन की कुछ खास वीडियो चलती भी नहीं थी। और स्पेशली मैं क्यों आया था, क्योंकि उस टाइम पे मैं रामानुजन को पढ़ रहा था, और रामानुजन को पढ़ते पढ़ते मुझे कुछ उनका एक हैक मिल गया, उनकी बर्थ डेट का हैक मिल गया। मैंने सोचा कि उसकी वीडियो बनाते हैं, और वो वीडियो इसलिए बनाना चाह रहा था ताकि मैं उसको सेव करके रखूँ, मुझे कभी जरूरत पड़े ना वापस देखना है तो मैं देख सकूँ। और यूट्यूब उसको स्टोर कर लेता अगर मैं कंप्यूटर पर स्टोर करके रखता, क्योंकि उस टाइम कंप्यूटर ही होते थे, हो सकता था हार्ड डिस्क खराब हो जाते, कुछ भी हो जाता, ठीक है ना। तो वो वहाँ पर स्टोर करना पॉसिबल नहीं था। तो इन दैट केस स्पेशली मैंने YouTube का चैनल क्यों शुरू किया, ताकि मैं अपनी वीडियोस को स्टोर कर सकूं, और कोई रीज़न नहीं था। लेकिन आज के बच्चे पैसा कमाने की पहली थॉट प्रोसेस यही होती है मैं पैसा कमाने जाऊं। मैं आपको पहली सोच बदलने को बोल रहा हूं, आप YouTube पे ये सोच के मत आओ कि बहुत पैसा है मैं पैसा कमाऊंगा। आप YouTube पे ये सोच के आओ कि मेरे पास एक कला है, मेरे पास एक आर्ट है, उसको पहचानो। ये आर्ट मैं लोगों को दिखाना चाहता हूं, ताकि मैं जानता हूं उसके बदले अगर चार लोग भी उससे मुझे देखकर सीख रहे हैं ना, तो शायद मुझे फायदा होगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।